गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग लेसन 18 शुरू करेंगे और इस लेसन का टाइटल है वन एट अ टाइम व्हाट मेक्स द डिफरेंस। एक बार में एक क्या अंतर बनाता है या क्या परिवर्तन लाता है। जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है वन एट अ टाइम व्हाट मेक्स द डिफरेंस, एक बार में एक क्या परिवर्तन लाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में दिखाया हुआ है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बहुत सी पड़ी मछलियों को पानी में वापस फेंक रहा है। मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, उनमें से एक एक करके वो उठाकर पानी में फेंक रहा है। तो मछलियां जब पानी से बाहर आती है तो पानी में उन्हें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन की कमी से वो मर सकते हैं। तो उनको क्या किया कि उन्होंने एक एक करके उसे उठा रहा है, उसे पानी में फेंक रहा है, मतलब उनको मरने से बचा रहा है, उनके जीवन में अंतर ला रहा है। तो ये कहानी हम जब पढ़ेंगे पूरी तरह से, इस कहानी को जानेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है, हमें क्या समझाना चाहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। मोहन वॉज वॉकिंग डाउन द बीच एट सनसेट। मोहन शाम के समय समुद्र के किनारे टहल रहा था। एज ही वॉक्ड अलोंग ही नोटिस्ड ए मैन इन द डिस्टेंस रिपीटेडली बेंडिंग डाउन पिकिंग समथिंग अप एंड थ्रोइंग इट इन टू द वाटर। जब वह आगे गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति कुछ दूरी पर बार बार नीचे झुक रहा था और कुछ चीजों को उठा रहा था और उसे पानी में फेंक रहा था। टाइम एंड अगेन ही केप्ट हर्लिंग थिंग्स आउट इनटू द ओशन। बार बार वह चीजों को उठाता रहा और उसे समुद्र में फेंकता रहा। एज मोहन अप्रोच इवन क्लोजर ही नोटिस्ड दैट द मैन वॉज पिकिंग अप स्मॉल फिश दैट हैड बीन washed up on the beach and one at a time he was throwing them back into the water. जैसे ही मोहन नजदीक गया उसने देखा कि वह व्यक्ति छोटी मछलियों को उठा रहा था जो समुद्र के किनारे आ गए थे, एक एक करके उठाकर उसे पानी में वापस फेंक रहा था। मोहन was puzzled. मोहन हैरान रह गया। He approached the man and said, "Good evening, sir." वह व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, "Good evening, sir. I was wondering what you are doing." मैं सोच रहा था कि आप क्या कर रहे हो। I am throwing these fish back into the ocean. मैं इन मछलियों को वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। You see, it's low tide right now, and all of these fish have been washed up On to the shore. आप देखो कि अभी समुद्र में लो टाइड है, मतलब कम ज्वार है, और ये मछलियां समुद्र के किनारे आ गए हैं। If I don't throw them back into the sea, they'll die up here from lack of oxygen. यदि मैं इन्हें वापस समुद्र में नहीं फेंकता हूँ, ये सभी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। I understand, my friend replied. But there must be thousands of fish on this beach. मैं समझता हूँ मेरे मित्र, लेकिन इस समुद्र के किनारे ऐसे हजारों मछलियाँ हो सकते हैं। You can't possibly get to all of them. यह संभव नहीं हो सकता कि आप सारे को उठा सकते हो और पानी में फेंक सकते हो। There are simply too many. यहाँ पर ऐसे ही बहुत है। And don't you realize this is probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast. आपको नहीं लगता कि यहाँ Don't you realize this is probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast? और आपको ये नहीं महसूस होता कि ऐसे सैकड़ों समुद्रों के किनारे इस तरह होता रहता है? Can't you see that you can't possibly make a difference? आप देख नहीं सकते कि आप
इन आप अंतर नहीं ला सकते। द मैन स्माइल्ड बेंट डाउन एंड पिक्ड अप ये अनदर फिश एंड एज ही थ्रेव इट बैक इन टू द सी ही रिप्लाइड मेड ए डिफरेंस टू दैट वन। वह आदमी मुस्कुराया और नीचे झुका और एक दूसरी मछली उठाया और जब वह उसे समुद्र में वापस फेंका, उसने जवाब दिया इनके जीवन में अंतर आ गया, मतलब उस मछली के जीवन में अंतर आया। तो इस कहानी का मतलब यही है कि हम अगर समस्या बहुत बड़ी है या बहुत ज्यादा है तो हम समस्या को एक साथ नहीं मिटा सकते, लेकिन एक एक करके उन्हें मिटा सकते हैं। जैसे कि आपके क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं। अब हर कमजोर बच्चा को एक साथ हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनको एक एक करके सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि गरीबी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब गरीबी ज्यादा है, लेकिन गरीबी को एक साथ मतलब पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमारे घर के आसपास में कोई गरीब फैमिली है तो उनको हम मदद करके, चाहे शिक्षा के संबंध में या फिर कुछ लेन देन के संबंध में थोड़ा बहुत हेल्प करके उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब आंशिक रूप से पूरा नहीं तो एक एक करके हम कोई भी समस्या को हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अगर कुछ चीज है, समस्या है या फिर कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हर कमजोरी एक ही साथ दूर नहीं होती है, लेकिन एक एक करके उनको हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू।